हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई नो कि आप सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्यों ना आप लोगों को एक छोटी सी टिप्स दे दी जाए। ये बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मतलब इस वीडियो को अगर आपने देख लिया ना, तो मैं ये समझ लो कि रीडिंग कम्प्रेहेंसिव इतनी ईजी हो जाएगी आपके लिए कि मतलब ये समझो कि बस तुरंत ही कर डालोगे। ऐसा वाला फंडा आप लोगों के साथ होने वाला है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना वीडियो को, बहुत हेल्पफुल है। और ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा वीडियो है बिल्कुल ही, और आप लोगों को बहुत हेल्प भी करने वाला है। अल्टीमेट टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव वाला प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर देगा। चलो देखते हैं कैसे करने वाला है। मैम से बोल नहीं रही है, प्रैक्टिकल अप्लाई किया गया है, मैंने भी अप्लाई किया है और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया हुआ है और गेटिंग मार्क्स और अच्छे खासे मार्क्स उन्हें मिले हैं। अभी करना क्या है ना, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव की बात कर रहे हैं, जिसको देख कर ही बड़ा ही डर सा लगने लगता है। पर डरते क्यों हो? पहले के टाइम पर पता है क्या होता था? जब हमारे समय की अगर मैं बताऊं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग पढ़ के जाते ही नहीं थे। हम सोचते थे कि अरे उसी में से देखेंगे, आ जाएगा आंसर, खत्म कहानी। बट नाउ ये लोग जो एग्जाम लेने वाले ना, वो थोड़े से स्मार्ट हो गए। उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव का जो टारगेट है ना, उसको भी थोड़ा सा टफ बना दिया है। अब ना डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। बट कोई ना, स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी भी उतनी ही ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। जैसे क्वेश्चन देने वाला स्मार्ट है, तो स्टूडेंट्स भी अप्लाई करने वाला भी स्मार्ट हो चुका है। तो कौन सी ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा ही आसानी से हमारा 5 to 7 minutes में हमारे 5 questions हो जाए। पहली चीज तो माइंड में ये रखो कि टफ बिल्कुल नहीं होता है, बड़ा ही इजी आता है, हम इजिली कर लेते हैं, ठीक है ना। अब कैसे करना है वो समझ लो। जैसे आपको सॉल्व करना है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही आसानी से आप उसको कर लो। सबसे पहली जो चीज करनी है, दैट इज दी स्किमिंग करनी है। स्किमिंग करनी है, किस चीज की स्किमिंग करनी है? बड़ी ही आसानी से मैं आप लोगों को बता दूं। देखो क्या है ना, पूरा पैराग्राफ पढ़ लो पहले आप लोग, पढ़ने के बाद में फिर क्वेश्चंस के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर दोबारा से आप उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हो क्वेश्चन के आंसर सर्च करने के लिए। तो ये तो समझ लो कि आप अपना टाइम खराब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं कि 2-3 paragraph ही आ रहे हैं, एटलीस्ट 5 paragraph तो आते ही आते हैं। तो हमको क्या करना है, एक स्किमिंग करनी है। तो स्किमिंग करने के लिए हम क्या करेंगे ना, सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे और लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। लास्ट पैराग्राफ क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में ही ज्यादातर क्या होता है, आपका वो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है। तो इससे एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द थीम, आपको एक थीम पता चल जाएगी कि ये जो हो रहा है, जो भी आप लोगों का ये पेपर जो हो रहा है, इसकी एटलीस्ट थीम क्या है, इस थीम को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और यही हमको आइडेंटिफाई करना है, पहली चीज हो गई। और सारी की सारी चीजें ना जस्ट अपने पास में एक छोटा सा बॉक्स भी रफ पेपर मिलता है, उसमें लिखते चले जाओ जो भी आपको थीम समझ में आया, पहला और लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ के। अभी आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स पर। अभी क्या करना है हमको, क्वेश्चंस पढ़ना है। अब क्वेश्चंस को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि हमने बस सोचा और बस मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया और पढ़ के बस खत्म कर लिया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप उसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है ना। कैसे पढ़ना है कि हमको इसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। मैं मैम कीवर्ड्स क्या होते हैं? भाई कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, तो उस क्वेश्चन में मान लीजिए एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई आपका टॉपिक है जिसमें पॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो अब उसमें कुछ आपको इस तरह की चीजें दी गई हैं कि हाउ, व्हाट, व्हाई, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों से, और वो पर्टिकुलर किसी थीम को लेकर पूछे गए, तो दिया दी कीवर्ड्स, है ना। और साथ ही साथ वहां पर और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि वो किसी पर्टिकुलर गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में अगर वो लोग बात करें, तो ग्रीन हाउस गैस आप लोगों का एक कीवर्ड हो गया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो उस कीवर्ड को आप लोग अपने पास में या तो ब्रेन में रख लो, नहीं रख पाओ नोट डाउन कर लो, हमने जो ये छोटा सा एरिया बनाया उसमें नोट डाउन करो। क्लियर हुआ? सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से कर लो। इसमें हार्डली कितना मिनट लगेगा आपका? 2 minutes लगेगा, 1 to 2 minutes लगेगा, उससे ज्यादा मिनट्स नहीं लगेगा। क्लियर? तो क्या कर लिया, स्किमिंग कर लिया, देन क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अभी थर्ड स्टेप, थर्ड में हमको क्या करना है, थर्ड में हमको जो भी हमारा पैसेज है अब उसकी तरफ हम लोग पहुंच जाएंगे। अब जो हमारा पैसेज है, इस पैसेज को हमको क्या करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि हमको वो कीवर्ड सब नजर आने लगे, है ना। पूरा एकदम डिटेल में बैठ के नहीं पढ़ना कि एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ लिया, भैया पैसेज पढ़ने के हमको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, हमको मिलेंगे हमारे ऑप्शन के आंसर्स लगाने के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो क्या करना है, जब भी आप पैसेज को गो थ्रू करोगे, तो पैसेज को गो थ्रू के टाइम पर जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड। देखो अब वो तरीका खत्म हो गया कि पहला क्वेश्चन पहले पैराग्राफ में, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पैराग्राफ में, अब नहीं होता है ऐसा। अब तो कुछ भी कहीं से भी दे दिया जाता है।
बट इस बात की श्योरिटी है कि 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके इजी क्वेश्चंस जो इजीली मिल जाएंगे, और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से कंपैरेटिवली इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, और वो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे उनको आपको अपनी ब्रेन पावर से ढूंढने की कोशिश करना है, ठीक है, उसके थ्रू आपको इसको करना है। ओके, तो ये वाला फंडा है। तो अब ये 3 क्वेश्चन तो इजीली हम कर लेंगे हमारे कीवर्ड से। जहां पर हमको कीवर्ड दिखा, जैसे कि ग्रीन हाउस वाला हमको दिख गया कि हाँ ग्रीन हाउस पैराग्राफ में हमको कहीं दिख गया, मतलब यहीं पर ही उस क्वेश्चन का आंसर छुपा होगा, फटाफट से देखा, फटाफट से टिक लगाकर खत्म कर दी कहानी, क्लियर। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन हमने अपने सॉल्व कर लिए। अभी आ जाओ चौथा, हमको क्या करना है, इतना ये हमने कीवर्ड से कर लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा पढ़ के देखने की कोशिश कीजिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी बेसिकली आपसे हो सकता है आपसे पूछा जाए कि मोटो क्या है इसका, तो वो मोटो क्या समझ में आ रहा है आपको। तो हमने जो स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि हाँ ये इसकी थीम निकल कर आ रही है कि यस ये कल्चर के ऊपर बात की जा रही है, या फिर यहाँ पर ग्रीन हाउस इम्पैक्ट की बात की जा रही है, या एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं मोटो आपके सामने आ ही चुका है। तो बस उस मोटो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ये वाला फंडा यहाँ पर आपका आता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक तरह का एक सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया इन दैट इन पर्टिकुलर दैट पैसेज। तो ये पैसेज हम जब पढ़ेंगे तो हमारे 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक हमारा हो जाएगा इजी क्वेश्चन वाला और दूसरा हमारा हो जाएगा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपके फटाफट से 5 to 7 मिनट्स में आपका पूरा की पूरा ये पैसेज वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट क्या नहीं करना है वो समझ लीजिए, क्या नहीं करना है वो भी समझ लीजिए, ठीक है। क्या नहीं करना है, पहली चीज, आपको भी पता है कि इस समय जो पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा बड़ा स्रोत है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जब बहुत ज्यादा जो बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मान लीजिए पैसेज में भी आपको कुछ पॉल्यूशन के ऊपर ही आप लोगों का कोई पैसेज आया हुआ है, और आप जानते हो कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा मेजर इशू है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और आपके पास जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपका जो ये वाला ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इसमें मौजूद है, लेकिन हमको इसको टिक मार्क नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ऑलवेज रिमेम्बर हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव का रूल कहता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के पैराग्राफ में जितनी चीजें लिखी होती है बस उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर लिखना है। अगर वहां पर बोला गया है कि आपका जो यहाँ पर जो पॉल्यूशन हो रहा है वो रेसिड्यूज के कारण हो रहा है, या फिर वो किसी और वजह से हो रहा है ना, ओजोन में जो डिप्लेशन है उसकी वजह से हो रहा है, तो आपको उसी को ही मार्क करना है, ट्रांसपोर्टेशन को मार्क आपको नहीं करना है। इस तरह से आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अपना जो प्रायर नॉलेज है उसको हम यहाँ पर साइड में रख देंगे, हमको यहाँ पर प्रायर नॉलेज का यूज नहीं करना है, जो पैसेज में लिखा हुआ है हमें उसी का यूज करके ही अपने आंसर्स को देना है। ये इसका एक कीवर्ड है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब फटाफट से समरी कर लेते हैं। पहली चीज, हमको एक स्कीम करनी है, फटाफट से उसको एक फटाफट से पढ़ लेना है, लुक कर लेना है। दूसरी चीज, हमको क्या करना है, फिर क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन में इसमें हमको फर्स्ट और अपना लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, फिर हम अपने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में से हम अपने कीवर्ड्स को नोट कर लेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स को नोट कर लेना बच्चा लोग, ये कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फंडा है, इसको आइडेंटिफाई करना इट्स टोटली इन योर ब्रेन पावर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओगे ना, 2 से 3 भी प्रैक्टिस कर लिए तो दैट इज सफिशियंट फॉर यू। मैं नहीं कह रही हूँ कि बैठ के घंटों प्रैक्टिस करो, 2 से 3 पैराग्राफ बस अच्छे से पढ़ के चले जाओ प्रीवियस ईयर्स वाले, ओके ना। तो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कीवर्ड देख लिए, अब आ जाओ पैसेज के ऊपर। पैसेज में से अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आंसर्स कर दो, कौन से वाले आंसर्स, इजी वाले आंसर्स कर दो। इजी वाले आंसर्स के बाद आ जाओ कौन से वाले, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनके ऊपर आ जाओ। इनडायरेक्ट में जो थीम पूछी गई है या फिर जो आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा गया है उसका फटाफट से आंसर कर दो। इस तरह से ये 5 के 5 आपके 5 to 7 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे, और प्रायर इतना जितना भी नॉलेज है उसको साइड में रखो, दैट्स ऑल, बस खत्म कहानी। तो बस यही एक छोटा सा तरीका है जिसकी मदद से आप अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। आई होप कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव वाली प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो चुकी होगी। तो फटाफट से बरखा मैम की वीडियो पर एक फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, टेलीग्राम पर बता दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड प्लस स्मार्ट, क्योंकि अभी हमारे पास जो टाइम है वो स्मार्ट स्टडी का है और हम वो ही करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।